क्या क्या है, 90,000 से 1,00,000 तक वैकेंसी जो है वो सामने होगी। कल प्रशासी पदवर्ग समिति में रिक्तियों पर मोहर लग जाएगी। 6 फरवरी को फाइनल कैबिनेट में प्रस्ताव पर मोहर लगती हुई नजर आएगी, इसकी संभावना जाहिर की जा रही है। 10 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच विज्ञापन जारी हो सकता है। प्राइमरी से लेकर प्लस टू तक के लिए वैकेंसी निकला ली जाएगी। हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, जरा ये बताइए कि जो इस बड़े पैमाने पर वैकेंसी की चर्चा की जा रही है, तो तकरीबन 90,000 से 1,00,000 तक लोगों को फिर से शिक्षक बनने का मौका है। बिल्कुल विभा, देखिए न्यूज 18 ने ही सबसे पहले जानकारी दी थी कि मार्च महीने ही DRE 3 की परीक्षा ली जाएगी और निश्चित रूप से उसका मोहर लगी। और अभी फिर से हम अपडेट कर रहे हैं, जो जानकारियां मिल रही थी पहले कि 65,000 से 68,000 सीटों पर वैकेंसी निकलेगी, लेकिन जो पुष्ट खबर है अभी कि रिक्तियों को जोड़ा गया है, यानी TRE 2 की जो बची रिक्तियां हैं और जो फ्रेश रिक्तियां हैं, दोनों को जब जोड़ा गया है तो रिक्तियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। यानी जो खबर आ रही है कि 90,000 से लेकर 1,00,000 तक TRE 3 में जो है वैकेंसी निकल सकती है, जिसमें प्राइमरी से लेकर प्लस टू तक की जो कक्षाएं हैं वो शामिल है। तो कुल मिलाकर प्रशासी पदवर्ग समिति है वित्त विभाग की, वहां पर शिक्षा विभाग ने फाइलें भेज दी है और वहां से मुहर लगने के बाद कल शाम तक फाइल जो है कैबिनेट चली जाएगी, जो खबर आ रही है। यानी मंगलवार को 6 फरवरी को कैबिनेट में इस नई वैकेंसी पर मुहर लग जाएगी, जिसके बाद शिक्षा विभाग जो है आयोग को अधियाचना भेज देगा, उसके बाद विज्ञापन जारी करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। यानी 10 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में TRE 3 का विज्ञापन जारी हो सकता है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग और BPSC तैयारी में जुट गया है। विभा, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस जानकारी के लिए। तो शिक्षकों के लिहाज से ये साल भी नियुक्तियों का साल रहने वाला है और आपके लिए बम्पर बड़े पैमाने पर वैकेंसियां निकलने वाली हैं। फेज टू की बची हुई सीटों को भी इसमें शामिल किया गया है। 90,000 से